असम सरकार ने जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया। इसमें दो से ज्यादा बच्चों वालों को सरकार नौकरी न देने और राज्य में लड़कियों को यूनिवर्सिटी स्तर पर मुफ्त शिक्षा की पेशकश की गई है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, ये जनसंख्या नीति का मसौदा है। हमने सुझाव दिया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, वे किसी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिसे भी इस शर्त के पूरे होने पर नौकरी मिलेगी, उसे अपनी सेवा तक यथा स्थिति बनाए रखनी होगी, यानी वह दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। शर्मा ने कहा, दो बच्चों वाली योजना, रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं जैसे ट्रैक्टर देने, घर देने और अन्य सरकारी फायदों पर भी लागू होगी। इसके अलावा पंचायत, नगर निकाय और स्वतंत्र काउंसिलों पर भी ये लागू होगा।